असलम नाजरन प्रोसराम के साथ मैं हफज़ल यूबी नाजरन इनकम टैक्स गोशवारा 2020 उसके मसाइल क्या हैं हुकूमत ने और एफ बी आर ने आठ दिसंबर की डेड लाइन दी है इसके बाद गोशवारों की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी क्या गोशवारा मुकम्मल है उसमें कोई मसाइल नहीं है मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान टैक्स बार ने भी एहतजाज किया है कि इनकम टैक्स गोशवारा दो हज़ार बीस अभी तक व नामकम्मल है क्योंकि उसमें जो खामियाँ हैं वो दूर नहीं की गई आज इस पर हम गुफ्तु करेंगे ना इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें माहरी सवाल इस क्या कहते हैं उनकी भी राय जानते हैं जी गोशवारों की जो लास्ट डेट है वो आठ दिसंबर हुकूमत ने जो इसकी डेट एक्सटेंड की हुई है और मैं समझता हूँ कि जो करोना की जो सूरत हाल है वो शिदत अख्तियार करती जा रही है कोविड नाइन्टीन जो दूसरी एक फ़ेज़ में दाखिल हो चुका है इस पर मुतदद जो फैक्ट्रीज हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें जो आल बहुत जो है काम इसमें कम होना शुरू हो गया है और लाहौर में और इस्लामाबाद में मुख्त जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन भी कर दिया गया है जिससे हमारे जितने भी ताज बरदरी जो मार्किटें हैं और कहीं ऐसे जो इंस्टीट्यूशनस हैं वो तलीमी अदारे भी हैं वो बंद होना शुरू हो चुके हैं तो इन हालात में जहाँ पर अदारे जो है शटर डाउन होंगे बंद होंगे तो उन हालात में रिटर्न बर वक्त फ़ाइल करना बड़ा मुश्किल काम बनता जाएगा तो मैं समझता हूँ कि अभी इनकी जो जो डेट इन्होंने डेडलाइन दी है आठ दिसंबर इसको फर्दर जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए टिल दी जब तक सिचुएशन जो है बेहतर नहीं होती अदरवाइज़ इसके अलावा जो चीज़ें हैं हमारे जो पैंतीस लाख के करीब जो एंटीन होल्डर्स हैं इसी तरह हमारे जो एक लाख से ज़्यादा हैं जिन लोगों के जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे वो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे तो इन लोगों को टैक्स नेट में लेके आना ज़रूरी है जो लोग टैक्स रिटर्न नहीं देते जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको जो है फ्रेंडली पॉलिसीज दी जाए उनको टैक्स रिलीफ दिया जाए ना कि जो रिटर्न दे रहे हैं उन्हीं पे ही आप ऑडिट करें उन्हीं पे बोझ डालें उन्हीं पे 161 करें उन्हीं को ही पेनलाइज करें जो रिटर्न नहीं दे रहे उनको आपने खुली छुट्टी दी हुई है उन लोगों को टैक्स रेट में लेकर आएँ जो हमारे ऐसी जगह पर लोग बैठे हुए हैं जो इतने हेवी एक्सपेंस करते हैं जिनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं वो टैक्स रिटर्न में नहीं आते टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते उन पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की पूछकिछ नहीं होती तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को डिटेक्ट करें और ऐसे लोगों को नेट में लेके जो ऐसे पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स हैं उन लोगों को हम इस टैक्स नेट में लेकर कर आएँ इसी तरह आप देखें नादरा के बाद तमाम लोगों का डाटा मौजूद है ऐसे लोग जो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं गाड़ियाँ लग्जरी लेते हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और जो इनके जो मुख्त होल्डिंग्स बहुत जगह पर हो रही हैं तो उन लोगों को लेके आना चाहिए जो आर आई टैक्स दे रहे हैं वो कोरोना की वजह से वो बेचारे वो प्रॉब्लम में हैं ताजा बरदरी भी जो एम्प्लॉज़ हैं उनका टैक्स कट रहा है और अभी देखें कि बारह लाख में जहाँ पे दो हज़ार टैक्स था अब वो सात सत्तर हज़ार करीब टैक्स चला गया है तो हमें टैक्स रेट्स को भी कम करना चाहिए हमारी तरफ से जो बाहर की तरफ से पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से जो प्रपोज़ल्स दी गई हैं लास्ट टाइम हमने जो वेबिनार किया है पाकिस्तान टैक्स बार के वाले से उसमें हमने इनकम टैक्स को ब्रीफली डिस्कस किया है वो वो काफ़ी डिफेक्टिव रिटर्न है उस रिटर्न के अंदर काफ़ी चेंजिंग होने वाली है उस चेंजिंग को मद्देनज़र रखा जाए उसमें जो कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम्स हैं आईआरएस की प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए ताकि रिटर्न एक प्रॉपर रिटर्न बने और रिटर्न में ऐसा ना हो कि लोगों को जो टैक्स मसाइल पैदा हो रहे हैं वो कम से कम किए जाए शुक्रिया